हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। देसी घी को बेबी मसाज के लिए यूज़ किया जाए तो उससे बेबी की हेल्थ बहुत ही अच्छी बनती है, ऐसा आपने अपने बड़ों से, अपने आसपास के लोगों से काफ़ी सुना होगा। बट क्या ये करना ठीक है, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारी वेबसाइट को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, momcominda.info, जहां आपको मिलेंगे बहुत सारे आर्टिकल्स ऑन पेरेंटिंग एंड चाइल्ड केयर। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, अगर सीधी बात करूं तो यस, देसी घी को बच्चों की मसाज के लिए यूज़ करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। देसी घी बहुत अच्छा रहता है बेबी की मसाज के लिए, उससे बच्चे के बोन्स काफ़ी स्ट्रांग बनते हैं, मसल स्ट्रेंथ अच्छी मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। हाउएवर, देसी घी को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो कुछ कंडीशंस का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो कंडीशंस आपको सूट करती हैं तो आप बेफिक्र होकर देसी घी अपने बेबी पे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि देसी घी के फ़ायदे क्या होते हैं। देखिए, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि देसी घी एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र होता है। आप अपने ऊपर ही टेस्ट कर लीजिए, नहाने के बाद मॉइस्चराइज़र लगाने से पहले जो आपकी स्किन है उस पर आप हल्का सा देसी घी लगा लीजिए, आप देखेंगे इंस्टेंटली आपकी स्किन में एक सॉफ्टनेस फील होगा, स्किन में एक सपलनेस फील होगा, एक ग्लो फील होगा, ड्राई स्किन बिल्कुल नहीं लगेगी। इनफैक्ट आपको मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत भी नहीं लगेगी। तो ये आप एक खुद टेस्ट करके भी देख सकते हैं। काफ़ी लोग रात को सोने से पहले अपने फेस पे देसी घी लगाते हैं, लिप्स पे देसी घी लगाते हैं, जिससे इमिडिएटली जो ड्राइनेस या क्रैक होते हैं लिप्स, वो ठीक हो जाता है। तो इसीलिए देसी घी एक नेचुरल मॉइस्चराइजर है जो एक बहुत अच्छा ग्लो लेके आता है स्किन पे। दूसरा, देसी घी में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो स्किन में जो इन्फेक्शंस होते हैं या कभी कभी स्किन इरिटेटेड हो जाती है, खुजली बहुत होती है स्किन पे, या फिर बच्चों में ये जो सर्दी खांसी होती है उस टाइम पे अगर देसी घी से मालिश की जाए तो उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसीलिए देसी घी को मालिश के लिए अच्छा माना जाता है। अलॉन्ग विद दैट, देसी घी एक ऐसी चीज़ है जो आप लिप्स पे भी यूज़ कर सकते हो, बच्चे के नेवल पे भी लगा सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज देसी घी अगर हल्का सा बच्चा इंजेस्ट गलती से भी कर भी ले, आप मालिश कर रहे हो उस टाइम पे, हल्का सा उसके मुंह में चला भी गया, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सो दैट इज़ एब्सोल्युटली सेफ। तो देसी घी एक सेफ चीज़ है व्हेन इट कम्स टू मसाज। हाउएवर, अब बात करते हैं कि क्या कंडीशंस का आपको ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहली चीज़, आपको होम मेड देसी घी ही यूज़ करना है। मार्केट के जो देसी घीस होते हैं उस पर मैं इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करती हूँ। आप घर पे देसी घी बनाइए और उससे बच्चे को मसाज कीजिए, नंबर वन। नंबर टू, देसी घी लगाने के बाद आपको इंस्टेंटली बाथ नहीं देना है। देसी घी का आपको सबसे अच्छा फायदा मिलेगा अगर आप मसाज करें अच्छे से पूरी बॉडी पे, सर से लेके पैर तक आप देसी घी लगा सकते हैं। उसके बाद बच्चे को कपड़े पहना दें और एक घंटा उसको उसी तरीके से रहने दें और उसके बाद जाके आप उसे बाथ दें। देसी घी से क्या होता है, बच्चे को बहुत अच्छी बॉडी में गर्मी मिलती है और अगर आप सडनली उसको नहला देंगे तो गर्म और ठंड का जो एक एक्सपोजर है वो चीज़ को ख़राब कर देता है और बॉडी के अंदर जाने में भी देसी घी को थोड़ा टाइम लगता है। इसीलिए एक घंटे का टाइम देना बहुत अच्छा रहेगा। मैं आइडली जो आपको प्रोसेस सजेस्ट करूंगी वो है कि आपने देसी घी से बच्चे को मसाज दी, उसके बाद बच्चे को दूध पिलाया और उसे सोने दिया। 1.5-2 घंटे बाद जब भी बेबी उठेगा उस टाइम पे फिर आप उसे बाथ दे के फ्रेश कर दीजिए। तो इस तरीके से देसी घी को बॉडी के एक एक पार्ट में अंदर तक जाने का अच्छा टाइम मिल जाएगा। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है पैच टेस्ट। मेरी बेबी के ऊपर एक प्रोडक्ट सूट करता है उसका मतलब ये नहीं है कि आपके बेबी पे भी करेगा। इसीलिए कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे घर का बना हो चाहे मार्केट का लिया हो, आपके लिए बहुत ज़रूरी है पैच टेस्ट करना। तो बच्चा का जो टांग होता है वहाँ की स्किन थोड़ी हार्ड होती है कंपेयर्ड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो बच्चे की टांग पे आप थोड़ा देसी घी से मसाज करके देखिए। अगर आपको लगता है कि उस पर कोई रिएक्शन नहीं हुआ, 24 आवर्स तक वेट कीजिए, तो इसका मतलब आपके बेबी को देसी घी सूट कर रहा है। रिएक्शंस होते हैं जैसे रेडनेस आ जाना, दाने आ जाना, बच्चे को लगाने के बाद ज़्यादा गर्मी से ज़्यादा स्वेट होना, तो इस तरीके से अगर आपको देखने को मिलता है तो इसका मतलब बॉडी में ज़्यादा रिएक्शन हो रहा है। अगर सब कुछ नॉर्मल है तो यू कैन कंटिन्यू एंड यूज इट। और चौथी कंडीशन है सीजन। बहुत गर्मी के टाइम पे मैं देसी घी नहीं रेकमेंड करूंगी, बिकॉज जब बहुत ही पीक गर्मी होती है तो एज इट इज इतनी स्वेट आ रही होती है कि आप और गर्मी दो वो आपको नहीं चाहिए। पीक गर्मी में तो आपको बच्चों की बॉडी को थोड़ा सा ठंडक देने की ज़रूरत है, तो मुझे लगता है उस टाइम पे कोकोनट ऑयल से अच्छा कुछ भी नहीं होता है। बट हाँ, जैसे ये जो बारिश का टाइम आता है या जब सीज़न चेंज हो रहा होता है या फिर विंटर्स, वो तो बेस्ट टाइम है जब आप देसी घी से मसाज करके बेबी को अच्छी गर्माहट दे सकते हो। तो अगर ये सब कंडीशंस आप फॉलो कर सकते हो तो गो अहेड एंड एंजॉय होम मेड देसी घी की मसाज फॉर योर बेबीज। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, आई होप इसे लाइक करेंगे एंड आई ऑल्सो होप कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को हिट करेंगे ताकि किसी भी वीडियो का टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हम हर जगह हैं और बहुत अच्छा कॉन्टेंट वहाँ पर पोस्ट करते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।